हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है पीएस क्लासेस में। अगर आप पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो लाइक कर लीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए राइट साइड में बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। यह चैनल आपको सबसे पहले एजुकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को देता है। हेलो दोस्तों, सुबह सुबह की शिक्षा जगत की खबरें लेकर के मैं प्रेजेंट हुआ हूं। और आज की जो न्यूज है, शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण का शुभारंभ करेंगे योगी। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक के पद पर चयनित 31,277 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 16 अक्टूबर को करेंगे। दोपहर 1 बजे अपने सरकारी आवास पर आयोजित समारोह में वह 5 सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। समारोह से प्रदेश के सभी जिले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े रहेंगे। हेलो दोस्तों, आज के शिक्षा जगत की खबरों में ये भी खबर है कि 19 से खुलेंगे सभी बोर्ड के स्कूल। सभी शिक्षा बोर्ड के कक्षा 9 से 12 तक की विद्यालयों में पठन पाठन 19 अक्टूबर से पुनः शुरू होगा। हालांकि वही विद्यालय खुलेंगे जो कंटेनमेंट जोन से बाहर होंगे। हेलो दोस्तों, आज के समाचार पत्रों की प्रमुख खबरें ये भी है कि जीआईसी को मिले 34 प्रवक्ता। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में राजकीय इंटर कॉलेज में भौतिक विज्ञान व अंग्रेजी के प्रवक्ता पद का रिजल्ट घोषित कर दिया। सीधी भर्ती के तहत अभ्यर्थियों का इंटरव्यू लिया गया था। मंगलवार को उत्तर प्रदेश विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा महिला संवर्ग के तहत राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता भौतिक विज्ञान के 16 पदों का रिजल्ट घोषित हुआ। इसके अभ्यर्थियों का इंटरव्यू 28 सितंबर को लिया गया था। वहीं प्रवक्ता अंग्रेजी के 18 पदों के लिए 28, 29 और 30 सितंबर को अभ्यर्थियों का इंटरव्यू लिया गया था। इसमें 34 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। दोस्तों, आज के समाचार पत्रों में अगली खबर है राज्य अभियंत्रण सेवा 2019 की परीक्षा 13 दिसंबर को। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2019 के कार्यक्रम में बदलाव किया है। इसकी परीक्षा पहले 1 नवंबर को प्रस्तावित थी, लेकिन आयोग ने उसे बदलकर 13 दिसंबर को परीक्षा की नई तारीख तय की है। दोस्तों, आज के समाचार पत्रों में अगली सूचना है कि एलटी ग्रेड कला के अभ्यर्थियों ने बुलंद की आवाज। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 के तहत कला विषय के अभ्यर्थियों की नियुक्ति डिग्री विवाद में फंस गई है। इससे चयन होने के बावजूद अभ्यर्थियों की नियुक्ति लटकी है। नियुक्ति की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर प्रदर्शन किया। हेलो दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो लाइक कर लीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिएगा। दोस्तों, अगर आप पुराने व्यूअर हमारे हैं तो केवल लाइक कर दीजिएगा। एंड तक आपने वीडियो को देखा, थैंक यू सो मच एवरीवन।